हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हिंदी की कार्य पत्रिका। कार्य पत्रिका का नंबर है 94 और दिनांक 22 तारीख की। रिमझिम पाठ्य पुस्तक से पाठ का नाम है सेखीबाज मक्खी। यहाँ अपना नाम, यहाँ अध्यापक व अध्यापिका का नाम। ये है कक्षा 3 की वर्कशीट। तो आज की वर्कशीट की हेडिंग है संज्ञा। संज्ञा आप सबको पता है, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी पशु का नाम, पक्षी का नाम, ये सब क्या है? ये है संज्ञा। प्यारे बच्चों, पाठ सेखीबाज मक्खी पढ़िए और पाठ में आए इन जानवरों के नाम खाली जगह में लिखिए। तो सेखीबाज मक्खी पढ़कर इनका नाम लिखना है। तो शुरू करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये है लोमड़ी और इसका नाम है आपके सेखीबाज मक्खी चैप्टर में लोमड़ी। ठीक है, लोमड़ी। और ये है मकड़ी, 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 बड़ी की मात्रा है, अच्छे से लगाइएगा। फिर है हाथी, 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 है ना। फिर लास्ट में ये क्या है? ये है मक्खी। आपने देखा होगा कि जो चैप्टर है वो सब इसी पे बेस्ड है, मक्खी। ठीक है, मक्खी, मक्खी। तो लोमड़ी, मकड़ी, हाथी, मक्खी, ये सब क्या है? पशु पक्षी के नाम, जानवरों के नाम। ठीक है, इंसेक्ट्स के नेम है, एनिमल्स के नेम है। तो ये सब क्या हो गए? संज्ञा, जीव जंतु। ठीक है, देख लेते हैं बच्चों, ये सभी जीव जंतुओं के नाम हैं। ये जीव जंतुओं के नाम हैं। इसी तरह व्यक्ति, स्थान, भाव या वस्तु के भी नाम होते हैं। तो किसी, हर किसी व्यक्ति का नाम होता है, कोई बिना नाम के नहीं होता। हर स्थान का नाम होता है, दिल्ली, मुंबई। भाव, जैसे गुस्सा आना एक भाव है जिसे आप देख, मतलब आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वस्तु, आप भाव को छू नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। गुस्सा, उसको टच करते हैं क्या? नहीं, सिर्फ महसूस करते हैं। वस्तु, जैसे कैप, टोपी, कपड़े, तो के भी नाम होते हैं। इन सब के नाम होते हैं। किसी व्यक्ति, जीव, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति के नाम को, जीव के नाम को, वस्तु, स्थान या भाव को संज्ञा कहते हैं। प्रश्न दो, बच्चों मैं हूं जंगल का राजा, नीचे मेरे बारे में कुछ बातें लिखिए, इन्हें पूरा कीजिए। तो कौन है जंगल का राजा? शेर, है ना। मुझे एक डैश परेशान कर रही थी। कौन परेशान कर रही थी उसको? बार बार भिन 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 करके, वो थी मक्खी। मक्खी बार बार उसे परेशान कर रही थी। उसके बाद मैं डैश की छाया में सो रहा था। कहाँ सो रहा था? पेड़ की छाया में। फिर मैं यहां रहता हूं। कहाँ रहता है? जंगल में, जंगल में, जंगल में रहता हूं। जब मुझे मक्खी ने परेशान किया तो मुझे बहुत क्या आया उसे? गुस्सा, गुस्सा, है ना। ये पहले से ही लिखा है आपके लिए, आपने उसमें सिर्फ ऐड करना है गुस्सा। ठीक है, आधा सौ और सा ऐड कर दीजिए तो बहुत गुस्सा आया। ये हो गया भाव का नाम, ये स्थान का नाम है आपका जंगल, और ये व्यक्ति या जीव का नाम। मक्खी क्या हो गया? जीव का नाम, व्यक्ति का नाम नहीं है, जीव का नाम है। पेड़ वस्तु का नाम है, जंगल स्थान का नाम है, और गुस्सा भाव का नाम है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ और आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों, पहला संज्ञा शब्द लिखेंगे अपना नाम। ठीक है, जो भी आपका नाम है वो है संज्ञा शब्द। दूसरा आप लिख लीजिए मम्मी पापा में से किसी का नाम, दो हो गए। तीसरा आप जो भी जानवर अपने आसपास देखते हैं, ठीक है, आपको कुत्ता दिखता है तो आप कुत्ता लिखिए, बिल्ली दिखता है बिल्ली लिखिए, मोर दिखता है मोर लिखिए। ठीक है, चार मोर, ये हो गए आपके चार शब्द। फिर और क्या लिखेंगे? क्योंकि आपके आसपास के लिखने हैं,
उसके बाद और क्या लिख सकते हैं? अब आप आपके घर में जो फल हैं, जैसे अनार है तो अनार लिखिए, केला है केला लिखिए, है ना? ये हो गया। फिर सिक्स्थ, आपकी पलंग, बेड जो है आपका वो भी एक वस्तु हो गई, पलंग, ठीक है, पलंग, पलंग। फिर सातवां, आपकी किताबें, वो वस्तु हो गई किताब, की ताब, आपकी किताब हो गई, सात हो गई ये, ठीक है, किताब लिख लिया। और क्या लिख सकते हैं बताइए? आठवां आप लिख सकते हैं, आप कहाँ रहते हैं, भारत देश में, आपका देश का नाम लिख लीजिए। फिर आप ये भी लिख सकते हैं, अभी कौन सा त्योहार आने वाला है, ठीक है। और देखिए, आपके आसपास आपको जो भी वस्तु दिख रही है, जैसे कुर्सी दिख रही होगी आपको, कुर्सी लिख लीजिए, ठीक है, कुर्सी लिख लीजिए। फिर बोतल होगी, बोतल लिख लीजिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, मेज होगा, मेज लिख लीजिए, ठीक है, ये हो गए। इतने हो गए आपके 10 संज्ञा शब्द। अब बच्चों, अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों के साथ घर के सामान व व्यक्तियों के बारे में बातचीत करते हुए उनका ध्यान उन वस्तुओं व व्यक्तियों के नाम की ओर ध्यान दिलाइए और बताइए कि ये सभी नाम संज्ञा शब्द कहलाते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव वाले संज्ञा शब्दों की पर्चियों का खेल भी खेला जा सकता है। तो मम्मा पापा के साथ आप नेम प्लेस एनिमल थिंग खेल सकते हैं, और मम्मी पापा जितनी भी चीजें आपको दिखा रहे हैं, किसी व्यक्ति को दिखा रहे हैं, किसी वस्तु के, तो आपको उनके नाम बताने हैं, क्योंकि वो नाम क्या है, संज्ञा, वो नाम क्या है, संज्ञा शब्द है, ठीक है। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो जल्दी से कर लीजिए, अगली वर्कशीट मिस नहीं होनी चाहिए। COVID-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोए, और कोविड से बचने के लिए अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहिए। बाय बच्चों, मिलती हूँ कल नई वर्कशीट के साथ।